जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 5:50 हो चुकी है, 5:50 PM। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई डिस्क्लेमर? है डिस्क्लेमर कहाँ गई बोलो? अरे डिस्क्लेमर की फाइल ही उड़ गई। तो डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, सीधा चार्ट को ले चलता हूँ मैं। देखिए आपको मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का और ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में मैंने यहाँ दर्शाया है कि इस लेवल से देखिए, ये पर्टिकुलर लेवल जो लो था, यहाँ पे आप लोग नोट भी कर सकते हो, 28 जुलाई 2021 को निफ्टी का लो था 15,513, 28 जुलाई 2021। वहाँ से निफ्टी देखिए एक एंगल में भागा है ऊपर तक, और ये एंगल 18,604 का हाई बनाया 19 अक्टूबर 2021 को 18,604 का हाई बनाया। कहाँ से भागा? 28 जुलाई का जो लो था 15,513, तो लगभग ये 3,091 पॉइंट की रैली दिया इसने यहाँ से सीधा, ठीक है। और अब यहाँ से ये 18,604 से आज 16,985 तक आ गया है। 18,604 माइनस 16,985, 1619 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। 1619 पॉइंट का टॉप से करेक्शन आ चुका है। तो 3,090 पॉइंट भागा डिवाइडेड बाय 2, 1545, ठीक है। 3,090 था या ज़्यादा था? ओके, 3,091 पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची सीरीज लिख दी आपके लिए। अब देखिए, अगर 3,091 पॉइंट भागा है 15,513 से, तो 23.8% किसका निकालना है आपको? 3,091 का, तो वो आएगा 736। 736 को अगर आप 18,604 से जो टॉप बना उससे माइनस करोगे, तो पहला निफ्टी का सपोर्ट था 17,868, पहला सपोर्ट था, ठीक है। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। दूसरा सपोर्ट था निफ्टी का 17,423, वो भी निफ्टी ने तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस। तीसरा जो सपोर्ट था 17,058, लगभग आज यहीं पे क्लोज किया, क्योंकि 17,026 की क्लोजिंग आई आज, तो लगभग यहीं पे आज 50% पे क्लोज कर दिया। अगर निफ्टी कल मंडे को 17,058 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तो निफ्टी का अगला टारगेट रहेगा 61.8%, जो कि 1910 पॉइंट का करेक्शन होता है, जो कि 16,693 पे आ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो एग्जैक्टली देखिए, निफ्टी यहाँ पे इस 50% सपोर्ट के बिल्कुल बराबर में खड़ा, ये 50% है, ये 23.6 है, ठीक है, सॉरी 23.6 होगा, मैंने 8 लिख दिया भूल से, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई, 6 होगा तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा उसको, 23.6 होगा, 38.2, ठीक है, ये परफेक्ट है। 50% लगभग 50% पर आज निफ्टी खड़ा। देखिए आप, अगर 50% को बचा नहीं पाता मंडे को, तो फिर 61.8%, ठीक है। तो अब यहाँ से रैली घूम सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 50% पे एक लाइन टान दी। ये रैली भी 513 से लेके 18,604 करेक्शन आ चुका है यहाँ तक, है ना, और आज 17,026 पे क्लोज हुआ है 28 पे, तो लगभग 50% पे क्लोज किया आज। अब इसको बचाएगा या
यार 61.8% पे जाएगा, ये मंडे ही बताएगा। इंट्राडे में जा सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्लोज करेगा, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से बड़ा सपोर्ट लेके मार्केट वीक तब माना जाता है जब 61.8% से भी नीचे चल जाए। जितनी रैली किया, ये रैली किया 3090 पॉइंट की यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 3090 पॉइंट बढ़ा है, तो इसका अगर 61.8% जो कि 16690 आता है उसको तोड़ देगा तो इसका मतलब ये जो तेज़ी किया उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर 50% से रिवर्स होता तो ये हाई टूटने की संभावना बढ़ जाती है, बुल मार्केट का तरीका। तो दैट्स इट, ये बताना चाहता था तो बता दिया। आप लोग घर पे भी ट्राई कर लीजिएगा, इसका चाहिए तो फ़ोटो ले लीजिए आप लोग। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।